गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखिए। आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसे पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत, यानी दिल्ली फर्स्ट कैपिटल बनी थी तोमर राजपूत के अंडर। वो हुआर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान्स, जो कि डिफीट यानी हार गए थे चौहान्स के द्वारा, और जिन्हें हम चनामास चहामास भी कहते हैं अजमेर की। इट वॉज अंडर तुमराज एंड चौहान्स एंड दिल्ली जैना मर्चेंट्स लिव इन सिटी, और दिल्ली की एक सिटी में जैना मर्चेंट्स भी रहते थे, जैन व्यापारी भी रह सकते थे। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया। कॉइन्स भी मिंटेड होते थे दिल्लीवाल नाम के, सर्कुलेट होते थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू कैपिटल कंट्रोल वॉज एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली एंड सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, यानी दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में चेंज हो गई। जो सल्तनत में चेंज होना यानी वो पूरी एक नेशनल कैपिटल बन गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डिड दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, किन के रूल के अंडर दिल्ली कमर्शियल सेंटर बन गया बहुत इंपॉर्टेंट? गुप्ता के एम्पायर के, चौहान एंड तोमर्स के, पलास एम्पायर के, या प्रतिहार्स के? तो चौहान एंड तोमर्स के अंडर दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर, इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कंसाइडेड डैश इन दिल्ली सिटी, तो वो कंस्ट्रक्टेड टेंपल, तो जैना ट्रेडर्स कंस्ट्रक्टेड टेंपल्स इन दिल्ली सिटी, तो आप इसमें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो वेयर वॉज द कॉइन कॉल दिल्लीवाल मिंटेड, तो दिल्लीवाल कॉइन कहाँ पर मिंटेड होता था? दिल्ली में ही होता था। बाय हुम वर द तोमर्स डिफीटेड, तो तोमर्स किसके द्वारा डिफीट हुए थे? चौहान्स के, तो आप इस पर चौहान कर लेंगे। क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर करने हैं। कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ 3 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के हैं, तो मार्क्स भी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तारीख और तवारीख, तो आप तवारीख और या तारीख से क्या समझते हैं? तारीख सिंगुलर, तवारीख प्लूरल है। ये हिस्ट्री और हिस्टोरीज है विच आर वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनसे बहुत सारी वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इकोलॉजी, इकोलॉजी को आपको डिफाइन करना है, तो आप इसका आंसर करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी, यानी ऐसी रिलेशनशिप जो लिविंग थिंग और सराउंडिंग के बीच में, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको गैरिसन सिटीज़, गैरिसन टाउन्स के एग्जाम्पल देने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे बंगाल एंड सितार एग्जाम्पल ऑफ गैरिसन सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ तवारीख हेल्पफुल फॉर अस, यानी तवारीख की स्टडी हम पढ़े तो वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, तो आप इसका आंसर करेंगे इट इज़ बिकॉज दे गिव अस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द हिस्ट्री की, सो दे आर हेल्पफुल फॉर अस, तो इसलिए ये हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंशन सम सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कुछ सम मैंशन करिए कुछ सोर्सेज का, हिस्ट्री के सोर्सेज का जो हमें हेल्प करें हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में, कुछ आपको सोर्सेज बताने हैं। तो हिस्ट्री की स्टडी के लिए हमें कॉइन्स की ज़रूरत होती है, तवारीख, डॉक्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, स्टोन, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेंट्स, आप इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट भी ऐड कर लेंगे, तो ये कुछ सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एसे, आपको एक ऐसे लिखना है द चेंज दैट हैपन इन दिल्ली इन 12th एंड 13th सेंचुरी के बीच में, दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए, इस पर आपको एक ऐसे लिखना है, तो आप इसका आंसर करेंगे जो आपका ऊपर आपको पैराग्राफ दे रखा है वही आपका हो जाएगा चेंजेस। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत, वो आर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान्स। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो इट इज पॉलिटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया। इट वॉज अंडर तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर एंड दिल्ली सल्तनत बिगेन इन अर्ली 13th सेंचुरी, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब से ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।